आजमगढ़ के साथ बड़े बड़े उपमा और उपमान जुड़े हुए थे। सिर्फ वो ये मानते थे कि आजमगढ़ का मतलब शायद कुछ आतंकी गतिविधियों का कोई केंद्र है, और जबकि हम ये कहना चाहते थे कि आजमगढ़ का मतलब ये है कि आज हम घर पर हैं। ई पेड़, ई चिड़िया, ई सूरज चांद, हंसत खेलत सुंदर संसार, मोरे बाद भी देखी ई हमार अखिया, हम करब नेत्रदान। वॉइस ऑफ आजमगढ़ द्वारा जनहित में जारी। हमेशा की तरह 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। और दोस्तों, हम तो हमेशा ही से आपसे कहते हैं कि गुनगुनाते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जिंदगी में कुछ ना कुछ करते रहिए। वॉइस ऑफ आजमगढ़ सामुदायिक रेडियो प्रस्तुत करता है कार्यक्रम मिशन करोना। ये जो पिछला वक्त गुजरा है 2019 से लेकर आज तक, ये एक ऐसी इरा, एक ऐसे वक्त से हम सब गुजर रहे हैं, एक ऐसे दौर से गुजर रहे हैं जो वाकई बहुत मुश्किल है, हर एक के लिए मुश्किल है। कितनों ने अपनों को खोया और कितनी परेशानियां आईं। हजार वेश धर के आई मौत तेरे द्वार पर, मगर तुझे छल न सकी चली गई वो हार के, हर नई सुबह तुझे मिले नई उम्र, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। कुछ यही कोशिशें वॉइस ऑफ आजमगढ़ ने इस दौरान की। एक सबसे पहली चीज थी, लोगों तक सही इन्फॉर्मेशन पहुंचे, भय की बात खत्म हो, क्योंकि जरा जरा सी बातें थी, ये कर लो तो कोरोना नहीं होगा, ये कर लोगे तो कोरोना हो जाएगा। जो क्वारंटाइन सेंटर था, इसमें हम लोगों ने क्या किया कि अपने कुछ स्पीकर्स और रेडियो सेट्स वहां पर लगाए और वहां के लोगों को से डायरेक्ट फोन पर बात करके रेडियो के जरिए उनके जो रिश्तेदार थे उन तक वो बातें पहुंचाते थे। जब वो बताते थे कि हमारी तबीयत ठीक है और अब कुछ नहीं है, या हमें ये थोड़ी सी परेशानी है, या हमारे पास इस चीज़ की कमी है, और किसी तरह से उनके घर वाले या प्रशासन उसको पूरा करने की कोशिश करता था, तो एक ब्रिज बनके हम लोगों ने उसमें काम किया। जब उसे कहते ना, यार मैंने ना रेडियो ज्वाइन किया कि रेडियो इतना बड़ा गुनाह का काम तुमने कर दिया, बताओ अल्लाह ताला तुम्हें माफ़ नहीं करेंगे, अब तो ऐसा होगा वैसा होगा, नॉर्मल। लेकिन फैमिली में किसी मेंबर ने ये नहीं कहा। रेडियो जो है एक टैबू सा था कि अगर जो लड़कियों को, चूँकि गर्ल्स कॉलेज था, यहाँ से हम लड़कियों को लेना चाहते थे, और लड़कियों का ये टैबू था कि अगर हमारी आवाज़ चली गई रेडियो पर, लोग हमारी आवाज़ सुन लेंगे तो उनको बेपर्दगी हो जाएगी। उनको लगता था वो बेपर्दगी है, उनके घर वाले भी मना करते थे, और बहुत सारी शुरुआती दौर पर जो लड़कियाँ हमारे साथ जुड़ी थी वो अपना नाम बदल के इस पर बोला करती थी। जादू की छप्पी। मैं निहर्षी हूँ एक बार फिर से लेकर आपके लिए जादू की छप्पी। हम अपने चेहरे की खूबसूरती का तो बहुत ध्यान रखते हैं, मगर आज भी हमारे सोसाइटी में बहुत बड़ा टैबू है कि पीरियड्स के दौरान जो महिलाओं की मानसिक स्थिति होती है उनके बारे में आज भी बहुत टैबू है, स्टिग्मा है, हम बात नहीं करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेट करूंगी कि आपने इस प्रश्न को पूछने की हिम्मत की। हमारा एक प्रोग्राम चला तंतन तंदुरुस्ती, तो हमने हेल्थ और हाइजीन के जिन विषयों को लिया उनमें हमने बहुत खुलकर जो है लड़कियों से, शुरू में थोड़ी सी समस्याएं आईं मगर फिर लड़कियां और लेडीज़ ने भी बात की, चाहे वो मेनोपॉज की बात हो, चाहे वो पीरियड्स की बात हो, चाहे वो डिलीवरी की बात हो। शुरू में रिस्पांस हमें नहीं मिला, हमारे पास ना तो फ़ोन कॉल आई ना कुछ आया, मगर उसके बाद पर्सनल नंबर पर कुछ कॉल आई कि फलानी ये कार्यक्रम हमने सुना था और अब आप बताइए कि हम कहाँ जाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने रेडियो चैनल वॉइस ऑफ आजमगढ़ 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। मैं अशमत ज़हरा फिर से हाजिर हूँ आपका कार्यक्रम लेकर उड़ान। खुशियाँ तुम्हारे आंगन की, खुशियाँ तुम्हारे आंगन की, कलियाँ तुम्हारे आंचल की, हमसे जीनत तुम्हारे जीवन की, हम बेटियाँ
हम बेटियां। जब भी हम कम्युनिटी रेडियोज की बात करते हैं, मुझे एक शेर याद आता है, वो मैं जरूर बोलना चाहूंगी कि अंधेरों में उजालों के निशा हैं, अंधेरों में उजालों के निशा हैं, ये जुगनू आफताबों से बड़े हैं।